हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशाई क्लासेस। मुझे बहुत ही दुख हो रहा है ये चीज़ कहते हुए कि आप लोग जो है बहुत जल्दी ही संयम को खो देते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि जो सामने वाला है उसको कोई प्रॉब्लम है या कुछ, कैसा कै क्यों नहीं वीडियो प्रोवाइड कर पा रहा है। आप लोग जो है तुरंत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आपका वो आपकी कमी नहीं है, वो कमी जो है आपके बचपन की है। इस उम्र में ऐसा ही होता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। मैंने प्रत्यास्था को स्टार्ट किया है क्योंकि आप लोग कई लोग हैं तो कई प्रकार की बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहला पेपर पढ़ाया जाए, कुछ लोग कहेंगे कि सेकंड पेपर पढ़ाया जाए, कोई कहता है कि उष्मागतिकी पढ़ाया जाए, कोई कहता है प्रत्यास्था पढ़ाया जाए, कोई कहता है ध्रुवों का प्रवाह पढ़ाया जाए। तो अब इसमें जो है वीडियो जो है बार बार इधर उधर करना पड़ता है, तो मैं प्रत्यास्था से स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। सेकंड पेपर आपका प्रत्यास्था से स्टार्ट है, प्रत्यास्था से मैं शुरू करूंगा। और बात केवल न्यूमेरिकल की है, मैं न्यूमेरिकल पूरा बनाऊंगा, उसके बाद जो है बोर्ड पर वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा। आज बोर्ड पर ही मैं बनाता, लेकिन कल थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से जो हमारे यहाँ जो पोल है बिजली का वो टूट गया है, जिसकी वजह से हमें आप लोगों की जिद के ऊपर जो ये प्रत्यास्था का जो वीडियो जो है बालाजी पब्लिकेशन की बुक से मुझे बनाना पड़ रहा है आप लोगों की जिद पर। और मोबाइल की लाइट को जला करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए। लाइट की कोई व्यवस्था ना होने के कारण भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपको ये ना लगे कि मैंने आपसे सब्सक्राइब करवा लिया है, बस मेरा मतलब निकल गया है। ऐसा कुछ नहीं, हमारा जो संबंध जो है बहुत दूर तक चलने वाला है, तो आप लोग थोड़ा संयम बना के रखिए। आपको मैथ का भी वीडियो मिलेगा। चलिए ज़्यादा समय को विलंब न करते हुए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बालाजी पब्लिकेशन की बुक से प्रत्यास्था का। जब 0.4 सेमी व्यास के तार पर 25 किलोग्राम भार लटकाया जाता है तो इसकी लंबाई 100 सेमी से बढ़कर 102 सेमी हो जाती है। तार के पदार्थ के यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान ज्ञात करना है, ये चीज आपको करना है। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है भार। भार का मतलब होता है W बराबर mg हो जाता है, W बराबर mg, यानी कि आपका W का मान दिया गया है कितना, 25 किलोग्राम। कितना दिया गया है, 25 किलोग्राम ये आपका मान दिया गया है, भार है ये। अब उसके बाद में आपको व्यास दिया गया है जिसे 2r से डिनोट करेंगे, ये कितना दिया गया है, 0.4 दिया गया है। अगर यहां से हम r निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 0.4 अपान में 2, तो कितना हो जाएगा, 0.2 सेमी, या हम इसको लिख सकते हैं 0.2 × 10⁻²² मीटर लिख सकते हैं, ये लिखेंगे। फिर आप क्या करोगे, इसकी लंबाई 100 सेमी से बढ़कर, यानी कि आपका जो L जो है प्रारंभिक L जो है वो कितना है, 100 सेमी। आपको पता है कि यहाँ पर हमें सेंटीमीटर से नहीं मीटर से कन्वर्टिंग है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 मीटर आपका हो जाएगा। फिर से बढ़कर 102 सेंटीमीटर हो जाता है, तो आपका यहाँ पर डेल L भी आपको निकालना होगा। तो डेल L निकालेंगे 102 - 100, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। इसको भी आप 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 0.02 मीटर हो जाएगा, 0.02 मीटर आपका हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक निकालना है। तो पहले आप a निकाल लीजिए, तो यहाँ पर व्यास दिया गया है यानी कि आपका पाई आर स्क्वायर निकाला जाएगा। तो पाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, 22/7। आर का मान आपका दिया गया है 0.2 × 10⁻²² तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22/7 दशमलव, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4×10⁻⁴ हो जाएगा। अब यहां से देखिए भार दिया गया है किलोग्राम, 25 किलोग्राम दिया गया है। अब यहां पर आप क्या लगाएंगे सूत्र, यहां पर आपका सूत्र हो जाएगा यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र होता है y बराबर प्रतिबल, प्रतिबल यानी कि F/A और बटे विकृति यानी कि डेल L अपान L होती है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि विकृति एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी बीमा नहीं होती है, वो बीमाहीन होती है। और भी कोई चीज़ होती, कई चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर मान और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको रखेंगे F अपान L, ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका A इंटू डेल L आ जाएगा।
तो यहाँ पर F का मान आप रखोगे, F जो है W की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर mg है, भार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, और L का मान कितना हो जाएगा, L का मान जब आप रखोगे, L का मान है आपका 1, और आप A का मान आपने निकाला 22/7, और इसका मान हो जाएगा 10.04 × 10⁻¹⁴, और यहाँ पर डेल L का मान आपने कितना निकाला, 0.02 निकाला है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप इसको डिवाइड, इसको पॉइंट हटा लीजिए, दो पॉइंट यहाँ पर हटेंगे, इसका जब करेंगे तो दो पॉइंट यहाँ से भी दो जीरो बढ़ जाएंगे आपके। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 × 8 और 4 × 5 = 20, ये 2500 आ जाएगा। यहाँ से और करेंगे तो ये आपका 1250 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका हो जाएगा 25 × 1250 और पूरे का बटा 22 और 7 चला जाएगा आपका ऊपर, और ये 10⁻¹⁴ है, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप समझ लीजिए कि बहुत ही प्रॉब्लम में होने के कारण भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो भाई अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 मीटर लंबे तथा 0.6 मीटर स्क्वायर पर क्षेत्रफल वाले एक तार में एक तार से 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को लटकाया गया है, पिंड के पदार्थ का एक प्रत्यास्थता गुणांक आपको ये दिया गया है तथा घनत्व ये है और तार की लंबाई में वृद्धि आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ से L कितना दिया गया है आपको, 1 मीटर दिया गया है, और ये आपका क्षेत्रफल है, A का मान कितना है 10⁻⁶ मीटर² दिया गया है, वाले एक तार में 1 किलोग्राम द्रव्यमान, देखिए यहाँ पर केवल किलोग्राम दिया गया है लेकिन द्रव्यमान है, तो ये आपका M का मान दिया गया है 1 किलोग्राम। अब फिर क्या करेंगे कि पिंड को लटकाया गया है, पिंड के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपको निकालना है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी आपको दिया गया है वाई बराबर 10⁻¹० न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको दिया गया है, तथा आपको डेंसिटी भी दी गई है रो 2 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया गया है, तार की लंबाई में वृद्धि आपको निकालना है, ये चीज़ आपको निकालनी है। तो यहाँ से जब हम इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व, यहाँ से हमको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर देख लीजिए आपको किस फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा। तो ये L का मान दिया गया है 1 मीटर और 10⁻¹⁶ वाले एक तार में 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को लटकाया गया है, तो यहाँ से आपको इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, अगर हम डेल L आपको निकालना है तो इसके लिए पहले हम फार्मूला निकालते हैं, वाई बराबर होता है इसका प्रतिबल, इसका फार्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति हो जाता है, यानी कि यहाँ से हम सूत्र करेंगे F बटे A अपान में हो जाता है कितना, डेल L अपान L हो जाता है। तो यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो ये आप लिख सकते हैं F इंटू L अपान A इंटू डेल L करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो रो आ रहा है इससे थोड़ा सा आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो F का मान आप रखोगे यहाँ पर mg हो गया इंटू L अपान में, A का मान आप यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे A डेल L का स्क्वायर, और यहाँ पर y, तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, आपको डेल L निकालना है, सॉरी डेल L का स्क्वायर नहीं होगा, डेल L आपको निकालना है, तो आप रखोगे यहाँ पर mgL अपान में A, और डेल L आपका चला गया है उसकी जगह पर आपका y आ जाएगा। अब इसके मान रख दीजिए, m का मान कितना है 1 किलोग्राम, g का मान यहाँ पर आप 10 रख लोगे, और L का मान क्या है 1 मीटर है, 1 रख लेंगे। उसके बाद A का मान आपको दिया गया है 10⁻⁶ और यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना दिया गया है 10⁻¹० आप सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो गया यहाँ, अब ये माइनस का 6 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ था और माइनस का 6 तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर हो गया 10⁻⁰। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे आप
तो जब ये 10 ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 7 से घट जाएगा तो 10 की पावर कितना बचेगा, 7 माइनस 10 यानी कि ये आपका 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा, और 10 की पावर 3 का मतलब 1 मिलीमीटर होता है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉपी पर बन रहा है लेकिन सवाल में पूरा जो है आपको इंटरेस्ट मिलेगा। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जैसा भी आपको कमेंट करना होगा आप तुरंत कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रबड़ की 20 मीटर लंबी डोरी ऊर्ध्वाधर दिशा में लटकाए जाने पर अपने भार के कारण 106 मीटर बढ़ जाती है। 106 मीटर भार के कारण वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि रबड़ का घनत्व जो है इतना दिया गया है, इतना बढ़ जाती है तो ये आपका डेल एल है, 106 मीटर मिलीमीटर बढ़ जाती है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखोगे 106 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 मीटर हो जाएगा। ये आप रबर का घनत्व है तो रो लिखेंगे 1.5 इंटू 10 टू पावर कितना 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। जी की वैल्यू दी गई है, आपको वाई का मान निकालना है, और एल मीटर लंबी थी वो डोर। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है ये आप देखिए, यहाँ से आपको वाई का मान निकालना है, रो दिया गया है, तो यहाँ पर आप कौन सा सूत्र लगाएंगे जिससे जो है आपका ये आंसर जो आ जाए। तो इसके लिए आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आपको करना क्या है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपको सूत्र जो है सीधे रो जब दिया गया है, और यहाँ पर ए भी नहीं दिया गया है आपको, तो यहाँ पर एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे आप। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, भार भी नहीं, भार दिया गया है, रबड़ की 20 मीटर लंबी डोरी ऊर्ध्वाधर दिशा में लटकाए जाने पर अपने भार के कारण 106 मीटर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जब भार की अगर हम बात करेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका, mg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, W बराबर mg हो जाएगा। अब यहाँ से और जब चेंज करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m की जगह पर आप लिख सकते हैं रो ए लिख सकते हैं, रो वी होता है, तो यहाँ पर आप कर लेंगे रो ए एल जी आप लिख लेंगे, g तो आपका पहले से है, यानी कि इसकी जगह पर आपको लिखना है, ये जी आपको तो दिया गया है, और यहाँ पर एम की जगह पर रो ए लिखेंगे, और एल आपके पास दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा। फिर यहाँ से आप इसको चेंज करोगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होता है एफ बटे ए, और अपान में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर डेल एल अपान एल हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप इसको चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, F की जगह पर आप लिख, जो F जो है W की तरह है, mg की तरह है, क्योंकि F बराबर mg होता है, यहाँ पर आप लिखोगे रो ए एल जी, एल जी अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए L की जगह पर आप कैप, ये L हम चला रहे हैं तो यही L लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर अब इसको जो हमने चेंज किया है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, A और डेल L लिखेंगे, और ये तो आप इसका इसके साथ चल रहा है देखिए यहाँ पर, क्योंकि आप m बराबर क्या लिखते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिए, m बराबर आपका होता है रोवी, रोवी हो जाता है, तो रो लिखा, और उसके बाद में v की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, क्षेत्रफल और लंबाई को कूड़ा कर देंगे तो आपका आयतन आ जाता है, तो वो चीज़ हमने लिख दिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए से ए को क्रॉस कर देंगे, जब ए से ए को क्रॉस करेंगे तो वाई बराबर आपका हो जाएगा रो, और यहाँ पर एल जो इसके साथ वाला था, और ये पहले जो सूत्र में जो यहाँ पर होता है जब ऊपर जाएगा तो L, तो ये क्या हो जाएगा, रो L स्क्वायर G अपान में डेल L हो जाएगा। अब इसका मान आप रख दीजिए, रो का मान आपका कितना है, 1.5 इंटू 10 टू पावर 3 है, और अपान में फिर इसका मान रखिए L का, L का मान आपका कितना है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, और उसके बाद जी का मान आप रखेंगे, जी का मान यहाँ पर 10 दिया गया है, ये देखिए 10 रख देंगे, और डेल एल, डेल एल कितना दिया गया है आपको, डेल एल का मान आपको दिया गया है 106 गुणे 10 की पावर माइनस का 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे आप, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 1.5, और ये आपका 400 गुणे 10 ये है, और आपका 3, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पूरे एक बटा आपका हो जाएगा 106 गुणे 10 की पावर माइनस का 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब हम आपको ले चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, पानी का आयतन, क्वेश्चन क्या दिया गया है, पानी का आयतन जो है 100 वायुमंडल दाब डालने पर
100 लीटर से 99.5 लीटर रह जाता है, 99.5 लीटर रह जाता है पानी का आयतन। प्रत्यास्था गुणांक आपको ज्ञात करना है, जबकि एक वायुमंडलीय दाब बराबर दिया गया है। तो ये आयतन दिया गया है 100 वायुमंडलीय दाब पर 100 लीटर से 99.5 लीटर रह जाता है। कितना रह जाता है? 99.5 लीटर रह जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये दाब दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, दाब। तो यहाँ पर आप रखोगे पी, और यहाँ पर आपको आयतन प्रत्यास्थ गुणांक निकालना है। तो आयतन प्रत्यास्थ गुणांक जो है, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक लिखेंगे, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक बराबर पी बटे क्या लिख देंगे, पी बटे जो डिफरेंस आपका आएगा इनका, यानी कि डेल वी लिख देंगे यहाँ पर, पी बराबर डेल वी। तो यहाँ पर जब ये लिखेंगे तो पी का मान जो है यहाँ पर दिया गया वायुमंडल दाब में, तो कितना जाएगा 100 वायुमंडल, तो एक वायुमंडल दाब बराबर इतना है, तो इसको चेंज करेंगे 1.01 इंटू 10^5 हो जाएगा। और उसके बाद डेलवी, डेलवी का मान कितना रखेंगे, यहाँ से डेलवी निकालेंगे, तो डेलवी बराबर 100 से इसको माइनस कर देंगे, 100 लीटर माइनस का 99.5, तो कितना जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.5 रख देंगे, तो ये हटा देंगे यहाँ से, ये 50 × 100। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 202 × 10^5। लेकिन अगर हम इसमें पॉइंट यहाँ पर लगाना चाहें तो कितना हो जाएगा, 2.02 × 10^7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चार क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं, चार क्वेश्चन हमारे पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप चाहें तो एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, लेकिन चलिए आज का वीडियो जो है इतने पर ही ब्रेक करते हैं। अब जो है आगे जो है कल आपको मिलेगा, कल इस चैप्टर को पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे।